हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन है वो सेक्शन भी अच्छी तरीके से पास हो गए हैं, पूरा क्लियर हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ। तो उन सभी के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है डॉक्यूमेंट IIT की तरफ से, कितने डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ आपको बताएंगे। लगभग 9 डॉक्यूमेंट होते हैं, सबका आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा किस तरीके का मिलता है, क्या प्रोसीजर होता है, सारी के सारी चर्चा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस न कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बात हमसे करना चाहते हैं तो हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड करके पर्सनल चैट कर सकते हैं। और चैनल पर आगे की अपडेट के लिए आप जो है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब रखिए। बाकी हमारे एक जो है कि लेटेस्ट अपडेट को लेकर के हमारा प्रोग्राम चलता है यहाँ पे एप्लीकेशन पे, आप उसे ज्वाइन किए रहेंगे तो आप उनसे पर्सनल टॉक कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हैं। अब आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है। तो IIT की तरफ से इस तरीके का कागज़ मिलता है जो कि मोड ऑफ स्टडी, एक सर्टिफिकेट मिलता है मोड ऑफ स्टडी, आप किस मोड में पढ़ाई किए हैं। हालांकि लोग बोल देते हैं कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कंटिन्यूड एजुकेशन मोड का है इसमें, तो वही फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलता है। ये आपका मोड ऑफ सर्टिफिकेट बताने का होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक दूसरा मिलता है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। हालांकि इस समय में रोक दिया गया, पिछले कुछ समय तक दिया गया था, जो 31 मई 2013 तक इनरोल्ड है उनके लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिलता है AMI की तरफ से, IIT की तरफ से। ओके, नेक्स्ट है आपका परीक्षा पास होने के थोड़े समय बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाता है ताकि आपका काम कहीं अटके ना, यह IIT की तरफ से भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आप सेक्शन ए पास हुए होंगे तो उसके बाद आपको मार्कशीट मिली होगी, उसी तरीके से आपको सेक्शन बी पास होंगे तो मार्कशीट मिलेगी, जिसे बोलते हैं ग्रेड कार्ड। ओके, तो ये ग्रेड कार्ड आपको मिलता है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका और NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप कहीं विदेश जाते हैं या कोई हायर एजुकेशन लेते हैं तो कोई इंस्टीट्यूट मांगते हैं तब देना होता है, नहीं ऐसे लेना नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, फिजूल का पैसा लगता है। तो आप NOC ले सकते हैं उनसे कि हाँ आपके यहाँ का पूरा प्रक्रिया हो चुका है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी चीज़ सबमिट हो चुकी है, हम यहाँ से पास हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है एसोसिएट मेंबरशिप का, कि आप वहाँ के फुल टाइम मेंबर हैं द इंस्टीट्यूशन के, इस तरीके का आपको सील मोहर से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है आपका जब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको इस तरीके का मिलता है जिसमें लिखा होता है दिस इज सर्टिफाइड सेक्शन ए सेक्शन भी पास हुए हैं, जिसे आपको ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। ओके, ये आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है प्रोविजनल के बाद मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आपको एसोसिएट मेंबरशिप के बाद आप चार्टर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका चार्टर इंजीनियर का इस तरीके का आपका फॉर्मेट में वो चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको ग्रेड कार्ड में जो CGPA होता है उसे परसेंटेज कन्वर्जन चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरा जाता है एप्लीकेशन का। उसके बाद इस तरीके का आपको मिलता है कि आपका कितना नंबर कहलाएगा, कितना परसेंटेज एक्यूरेट कहलाएगा, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है। कई वैकेंसी में मांग लिया जाता है कि आपका 60% है कि 65% है कि नहीं, उसके लिए आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपका CGPA से परसेंटेज में क्या है, तो उसके लिए यह फॉर्मेट में आपको IIT की तरफ से मिलता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपको, इस तरह का पूरा फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है कि अब आप ये सारी चीज़ हमने आपको पूरी बता दी है, अब आपको अप्लाई कैसे करना होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की वेबसाइट पे जाएंगे आप, एकेडमिक सेक्शन में डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस तरीके का पूरा एक अप्लीकेशन मिलता है जिसमें ढेर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट ट्रांजिट वेरीफिकेशन बोनाफाइड लैंग्वेज सर्टिफिकेट CGPA मोड ऑफ स्टडी अपियरेंस सर्टिफिकेट, ढेर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप जो भी फॉर्म भरेंगे आप उस पर टिक करेंगे, जितनी मैंने आपको बताई है जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो सभी पे टिक करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लिक करेंगे। उसके बाद अमाउंट लिखा है क्या लगना है, उसके साथ में क्या ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी वो लगना है, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। इसके बाद आप पूरा पेमेंट करेंगे जितना होगा। ओके, अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें सिस्टम हो गया, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग करके पेमेंट कर देंगे और इस को आप स्पीड पोस्ट कर देंगे पैक करके, ठीक, कोलकाता सेंटर पे। ओके, पूरी फॉर्म भर के आप भेज देंगे तो आपका जो समय होगा थोड़े समय बाद आपके यहाँ आ जाएगा। हालांकि IIT का प्रक्रिया धीमी चलती है, 2-3 महीने में आपके पास डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे। ओके, तो पूरा वीडियो में हमारा बताने का मतलब था कि आपका सस्पेंशन पूरी तरीके से दूर हो जाए कि सेक्शन बी क्लियर होने के बाद आपको कितने डॉक्यूमेंट मिलते हैं। सेक्शन ए पास होने पर आपको सिर्फ ग्रेड कार्ड मिलता है, सेक्शन बी पास होने पर आपको हर तरीके के आप एलिजिबल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट लेने के।
ठीक है। तो होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो पे अच्छे समझ में आया तो कमेंट करिएगा कोई चीज़ को लेकर के, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेरीज हो तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा एक मेंबरशिप है स्टूडेंट की तरफ से, आप इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, कोई क्वेरीज होगी तो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में अगर कोई डाउट होगा तो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।